अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ऐड डिफरेंट एक्सटेंशन इन इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट के जितने भी ब्राउजर हैं, में आप डिफरेंट किस्म के एक्सटेंशन को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप बैकग्राउंड थीम्स वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं अपने ब्राउजर को। तो इसके लिए ब्राउजर को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में बताता हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एक आपके पास एक नया ब्राउजर है जो कि विंडो 10 में यूज हुआ है, अभी रिसेंटली यूज हुआ है, तकरीबन इसे तीन चार महीने हो चुके। तो इसके अंदर जो है, इस ब्राउजर के अंदर जो है, तो आपको थीम नहीं मिलेंगे। सेटिंग्स भी आप जाए इसमें और जो चीजें उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप इसका जो थीम है, थीम का कलर एक डार्क है और दूसरा आप यहां से देखें तो लाइट है। क्लिक करेंगे तो लाइट कलर आ जाएगा, देखें इसका लाइट, हमारे पास बैकग्राउंड वगैरह हर चीज लाइट आ गए। और अगर आप डार्क पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए हर चीज इसकी डार्क हो गई है। तो ये थीम है इसका, नॉर्मल जो थीम है यहाँ पे लाइट है और डार्क, ये दो थीम है यहाँ पे इसके नॉर्मल जो अवेलेबल है। फेवरेट बार को अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे फेवरेट बार ऑन हो जाएगी। मीन अगर आपने कोई फेवरेट या आपने अगर कोई बुक मार्क वगैरह रखे हुए हैं तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। स्टार्ट पेज, आप चाहते हैं जब भी पेज ओपन हो, स्टार्ट हो, जब भी आप पेज को यहां से देखिए न्यू पेज ओपन करता हूं तो ये स्टार्ट हो, देख सकते हैं। उसके अलावा डेटा को क्लियर करना चाहे तो आप यहां से चूज क्लियर कर सकते हैं। आप अपने हिस्ट्री वगैरह, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीजें अगर आप क्लियर करना चाहे तो आप यहां पे क्लियर करेंगे तो इसकी हिस्ट्री वगैरह डिलीट हो जाएगी। यहां से सारे काम यहां से आप कर सकते हैं, बैक जाना है यहां से बैक जा सकते हैं। इसकी एडवांस सेटिंग जो है उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। उसकी रीडिंग रीडिंग व्यू स्टाइल जो है वो डिफॉल्ट रखें, डिफॉल्ट रख सकते हैं, लाइट करते हैं, मीडियम करते हैं, डार्क करते हैं, आपकी मर्जी, आप यहां से चेंज कर सकते हैं। साइज जो है मीडियम का रखते हैं, साइज लार्ज रखते हैं, स्मॉल रखते हैं, टेक्स्ट का साइज जो है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में इसके जाएं, जाने के बाद आप चाहते हैं कि होम बटन इसको ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए तो सामने देखिए यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अबाउट ऑफ करने से यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, इनको ऑन ही रहने दें। पासवर्ड वगैरह को आप सेव चाहते हैं कि ना हो तो आप यहाँ से ऑफ कर दें। अगर चाहते हैं जब भी आप कोई चीज ओपन करें जैसे कि फेसबुक ओपन करते हैं तो आप चाहते हैं पासवर्ड ऑन रहे तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए ये जो मेरे पास सर्च इंजन ओपन है अभी, तो सर्च इंजन जो मेरे पास ओपन है ये बिंग है, बिंग सर्च इंजन ओपन है, आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं ये गूगल में हमेशा ओपन हो, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो मेरे पास सर्च इंजन है ये बिंग है। आप चाहते हैं नहीं जी सर्च इंजन जो हो वो इसका गूगल सर्च इंजन में हमेशा ओपन हो। अगर मैं इसको क्लोज करके ओपन करता हूँ देखिएगा, ये देखें अभी जो मेरे पास सर्च इंजन आप सामने आ रही है बिंग सर्च इंजन है। तो अब से गूगल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहां से इस पर क्लिक करें, सेटिंग में जाएं और इसकी एडवांस सेटिंग में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका सर्च इंजन हमेशा एड न्यू पे क्लिक करें और आप चाहते हैं जी इसका सर्च इंजन हमेशा क्या हो जी गूगल हो तो आप यहां से चूज वन है एड कर सकते हैं, एड कर सकते हैं और चूज वन पे क्लिक करेंगे। बेसिकली अभी मैंने कोई भी ओपन नहीं किया हुआ, मैंने हिस्ट्री जो थी इसकी रिमूव कर दी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल। google.com मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास google.com ये ओपन हो, मेरे पास सामने आए सर्च इंजन। तो आप यहां से आप क्लिक करें, आप यहां से इसको सेटिंग में जाएं और इसके एडवांस सेटिंग में जाकर इसका सर्च इंजन चेंज कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाएं और इसका सर्च इंजन आप यहां से क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें और ऐड देखें google.com.pk के आगे इसको सर्च ऐड कर लें, ऐड एज डिफॉल्ट कर लें। तो ये डिफॉल्ट ऐड हो चुका है और आप जब भी इसको ओपन करेंगे तो आपके पास गूगल का सर्च इंजन ओपन होगा। देखिए
अभी आप जो भी चीज सर्च करेंगे वो गूगल में डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, अब ये जो फेसबुक ओपन हुई है डायरेक्ट गूगल के थ्रू ओपन हुई है। खाली फेस में से सर्च करता हूँ, देखिए सर्च कर रहा हूँ तो ये गूगल में सर्च हो गया। उसको जैसे सेटिंग में आप जाएं तो कई चीजें इसमें अब यहाँ पे लिखा है, हैव कॉर्टाना असिस्ट मी इन माइक्रोसॉफ्ट एज। आप इसको ऑफ करेंगे तो कॉर्टाना जो विंडो में आया है विंडो 10 में तो वो ऑफ हो जाएगा। आप कॉर्टाना में जो भी चीज सर्च करेंगे तो ये सर्च हो जाती है इसमें। तो आप यहाँ पे देखें जरा, तो मैं यहाँ पे अगर इसको ऑफ करूंगा तो मेरे पास ये सामने नहीं, इसमें ओपन नहीं होगा। तो ये कॉर्टाना है, आप देखिए यहाँ पे इसमें जो भी चीज आप बोलेंगे या आप लिखेंगे तो ये सामने आ जाती है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, बोलता हूँ हेलो हेलो google.com। अभी यहां पे ओपन होगा, देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। google.com देखिए ओपन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसको ऑफ कर दिया। मैं यहां पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ और एडवांस सेटिंग में जाता हूँ और इसको मैं इसको ऑन किया हुआ मैंने। अब यहां पे मैं सर्च करता हूँ, www.google.com। यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अभी देखता हूँ, www.google.com। ओके यहाँ पे इसने ओपन करके दे दिया सामने। ओपन करता है, कोशिश करता है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। आप यहाँ पे टाइप भी करें, ब्राउजर काफी सारे ऐड इस वजह से शायद ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं आपके एज के। और इसको मैं यहां से ऑन ही रखता हूं,
अब नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे जो ब्राउजर है वो है जी गूगल क्रोम। अब इस गूगल क्रोम में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सटेंशंस और देखते हैं कि एक्सटेंशन आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग में आपको यहाँ पे एक्सटेंशन नजर आ रही है, आप यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन मेरे पास ऐड है, जैसे कि एड ब्लॉक। ये एक्सटेंशन मैंने ऐड जो की हुई एड ब्लॉक की, तो इसका फायदा ये कि जो आपके किसी भी वेबसाइट में फालतू किस्म के ऐड आ जाते हैं या फिर कोई भी जो ऐड आते हैं आप उनको चाहते हैं वो ब्लॉक हो जाए, तो ये साइट जो उसको ब्लॉक करते हैं, उसको आप एनेबल करेंगे तो ये साइट जो है एड्स को ब्लॉक करती रहेगी आपने कोई भी अगर ऐड ओपन किया हुआ है। उसके अलावा ब्राउज जो होता है आपके यूट्यूब वगैरह या फिर जो ब्लॉक वेबसाइट है, ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करने के लिए ब्राउज ऐड कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका गूगल क्रोम में यूज होगा। आईडीएम मीन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को मैंने यहाँ पे एनेबल किया हुआ है, स्काइप को एनेबल किया हुआ है, तो आप यहाँ से इनको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन कैसे ऐड होती है इन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप प्रॉक्सी कैसे लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप बस यहाँ पे जी एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करें, सेटिंग है, एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ गेट मोर एक्सटेंशन, क्लिक करें इस पे। आप यहाँ से थीम्स अपने थीम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थीम पे क्लिक करता हूँ, एक्सटेंशन ऐड करनी है एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। कोई गेम्स वगैरह ऐड करनी है अपने ब्राउजर में तो आप गेम ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन आप गेम खेल सकते हैं। पजल मेरे पास यहाँ पे गेम है, यहाँ पे देखते हो अभी अच्छी अच्छी गेम्स हैं। ये वाली गेम है, मैं इस गेम को ऐड करता हूँ यहाँ पे। अब ऐड हो गया, आप देखिए यहाँ पे क्लिक करें इस पे, ये कुछ एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया और आप इसको खेलना चाहे तो आप इसको खेल सकते हैं। अब इस एकेडमी में काफी सारी गेम्स हैं, हम देखें क्या गेम मेरे पास। देखें गेम मेरे पास आ गई, कंप्लीट। जब यहाँ तक ये हो जाएगा तो ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए और भी काफी सारी एक्सटेंशन जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थीम अगर आपने ऐड करें तो आप यहाँ पे थीम भी ऐड कर सकते हैं। थीम ऐड करने का क्या तरीका है, थीम पे क्लिक करेंगे, एप्स एप्लीकेशन वगैरह ऐड करना चाहिए एप्लीकेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप अपने ब्राउजर में, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एप्लीकेशन होती हैं। थीम पे क्लिक करता हूँ, थीम में काफी सारे थीम्स हैं यहाँ पे, आप जो भी थीम ऐड करना चाहें आप यहाँ पे थीम ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट थीम है, आप देखिए अच्छे अच्छे थीम है। कोई भी आप अच्छा सा थीम यहाँ से चूज करें और उसको ऐड कर दें। ये थीम फॉर एग्जांपल ऐड करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब ये थीम ऐसा रहेगा, देखें अच्छा थीम है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करें, ये थीम यहाँ से देखें डाउनलोड हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपके ब्राउजर में। देखिए आपका थीम चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, आपके ब्राउजर का थीम चेंज हो गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ओके तो देखिए आपका थीम क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। आप यहाँ से थीम अपने चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो गेम मेरे पास ओपन थी, आपके पास गेम आ गई है, गेम को प्ले करें, कंटिन्यू।
जबरदस्त गेम है, देखें आप गेम खेल सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से गेम खेल सकते हैं, अपनी कोई भी गेम खेलनी है आप यहाँ से गेम भी खेल सकते हैं। और इसके अलावा अब थीम के अलावा अब यहाँ पे अब दूसरे जो ब्राउजर हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से ब्राउजर हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, डेस्कटॉप आइकन को शो करता हूँ। ओपेरा है, इसको आप अगर पेन करना चाहें यहाँ पे तो पेन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको चाहता हूँ जी पेन टू टास्क पर, टास्क पर भी पेन हो गई, देखें इसको भी चाहता हूँ पेन टू टास्क पर, और व्यू में जाके इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओपेरा पे क्लिक करें तो इसके अंदर भी कुछ थीम्स हैं, एक्सटेंशन हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करें और थीम्स पे क्लिक करें तो थीम्स पे आप क्लिक करेंगे तो थीम्स हैं यहाँ पे, खुद भी कोई थीम्स आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट थीम्स हैं। आप माय थीम पे क्लिक करें, आप ब्राउज करें गैलरी में से ये पिक्चर्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं थीम्स वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारे थीम्स हैं, इनमें आप देखें तो ये वाला मेरे पास एक मोशन थीम है, अच्छे अच्छे थीम है यहाँ पे, ये ऐसा थीम होगा, इसको ऐड टू क्रोम करें, सॉरी यहाँ पे ऐड टू ओपेरा करें, इंस्टॉल हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। उसके अलावा यहाँ पे और भी एक्सटेंशन है, आप क्लिक करें थीम में और एक्सटेंशन पे क्लिक करें, साइड बार है काफ़ी सारी साइड बार, आप यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, क्लिक करें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे साइड बार में मैं क्या कौन कौन से एक्सटेंशन ऐड करना चाह रहा हूँ जी, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ ट्वीट डेस्क साइड बार करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सटेंशन है इसकी, आप कोई भी एक्सटेंशन ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मोर थीम है काफ़ी सारे, आप जो भी थीम आपको ऐड करना है, पॉपुलर है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, क्लिक करें तो आप यहाँ से यूट्यूब टू MP3 क्लिक करें, इसको ऐड टू ओपेरा पर क्लिक करें तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्सटेंशन आ जाती है जो कि डायरेक्ट क्विक एक्सेस आपके पास होती है, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके एक्सटेंशन ऐड हो जाती है, इंस्टॉल हो रही है, ये भी इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में क्योंकि थीम ही ऐसे है, ये इंस्टॉल हो चुकी है देखें। जो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है उनके लिए आप एक्सटेंशन में जाएं, साइड बार पे आप देखें एक्सटेंशन मैनेजर है और यहाँ पे देखें यहाँ पास ऐड हो चुकी है, और इसके अलावा आपस यहाँ पे ये भी ऐड हो चुके हैं, अब ये ऐड हो चुकी है, अलाउ टू प्राइवेट मोड भी क्लिक करें, ओके और थीम भी इसका आ गया, देखें बैक साइड इसका थीम भी आ गया, तो आप यहां से थीम आप अपने ओपेरा ब्राउजर को भी दे सकते हैं। इसके बाद आप बस यहाँ पे एक्सटेंशन भी दे सकते हैं और ब्राउजर भी दे सकते हैं, आई मीन आप अपने ब्राउजर को थीम भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बस यहाँ पे फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स में भी अपने एक्सटेंशन ऐड करनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास है जी ऐड ऑन्स पे क्लिक करें, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हैं, थीम्स वगैरह ऐड करना चाहें तो मोड में जाके आप यहाँ पे थीम ऐड कर सकते हैं, प्लगइन ऐड करना चाहें तो प्लगइन ऐड करना चाहिए, सर्विसेज ऐड करना चाहिए तो सर्विसेज, एक्सटेंशन भी क्लिक करके आप यहाँ पे देखें काफ़ी सारे इसके पास एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, स्टेटस बार ऐड करना है यहाँ पे देखें मोड पे क्लिक करें, यूट्यूब पैनल क्लिक करें, यूट्यूब से रिलेटेड सारी आ गए हैं फायरफॉक्स के लिए, देखिए
तो यहाँ से भी आप एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और थीम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने थीम वगैरह और एक्सटेंशन कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस किया। आप इन एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे थीम्स वगैरह को अनइंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इंस्टॉल के ऊपर दोबारा क्लिक करें, अगर यहाँ से ये नहीं हो रहा तो आप दोबारा यहाँ पे जाएं, थीम्स पे क्लिक करें, जो भी थीम आपने अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये मेरे पास थीम आ गया, इसे नीचे यहाँ क्रॉस का बटन है क्लिक करें, इस पर रिमूव थीम कह रहा है, ओके। तो देखिए वो थीम रिमूव हो गया। इसी तरह आपने साइड बार यहाँ से ये ऑफ करना चाह रहे हैं तो खत्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएं, साइड बार पे क्लिक करें, साइड बार खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएं, एक्सटेंशन मैनेजर है, इसमें जो हमने एक्सटेंशन ऐड की हुई है यूट्यूब टू MP3 क्लोज करें यहाँ से, ओके, तो ये रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप जाते हैं जी यहाँ पे ओपेरा में, यहाँ पे सॉरी क्रोम में जाएं और यहाँ से इसका थीम खत्म करना चाह रहे हैं, क्लिक करें यहाँ पे, सेटिंग में जाएं, यहाँ पे नहीं, अगर गेट मोर एक्सटेंशन, थीम्स पे क्लिक करें, और यहाँ से कोई और थीम अगर आपने इंस्टॉल करने कर सकते हैं, और जो थीम हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसको सर्च करें और उसको यहाँ से रिमूव कर दें। रिमूव कर सकते हैं थीम को, क्लिक करते हैं यहाँ पे, थीम में आप ये काम कर सकते हैं, सेटिंग में एक्सटेंशन थीम है, यहाँ पे देखें थीम गेट थीम है, और आप यहाँ से रीसेट टू डिफॉल्ट थीम पे क्लिक करें तो आपका थीम नॉर्मल आ जाएगा, देख सकते हैं नॉर्मल थीम आ गया, वो थीम रिमूव हो गया। तो आप यहाँ से थीम्स वगैरह भी खत्म कर सकते हैं एक्सटेंशन में जाके। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने डिटेल से देखा कि आप थीम कैसे ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे क्रोम में एक एक्सटेंशन ऐड की थी जो कि गेम से रिलेटेड थी, तो उसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं, एक्सटेंशन है गेम से रिलेटेड जो एक्सटेंशन थी उसको आप यहां से भी जाके ये पे क्लिक करें, जो थीम खत्म हो गया तो उसके साथ मेरे ख्याल से वो गेम भी खत्म हो गया। अगर आप पास यहाँ पे गेम हो तो यहाँ पे सामने आ जाएगी अपनी, जैसे ये क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो गेम यहाँ से रिमूव हो जाएगी, गेम की एक्सटेंशन भी। तो ये था जी आपका आज का लेसन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।